एमिटी में एलडी को कई ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का मौका मिला। कोई 2 साल 10 महीने एमिटी में काम करने के बाद एलडी ओसवाल ग्रुप में चले गए। यहां उन्होंने कई चेन स्टोर्स जैसे कि शॉपर्स स्टॉप, लाइफस्टाइल, पेंटालूंस, पिरामिड्स वगैरह के लिए रिटेल हैंडल की। इंडिया के टॉप ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर ओसवाल ग्रुप की हाजिरी का श्रेय भी एलडी को ही जाता है। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ 45 दिनों में 20,000 से ज्यादा इंडियन क्रिकेट टी शर्ट मर्केंडाइज इंडिया टाइम्स पर पहली बार ऑनलाइन बेचकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2 साल ओसवाल ग्रुप में लगाने के बाद एलडी द टाइम्स ग्रुप में आ गए और 1.5 साल तक उनके शॉपिंग पोर्टल को हैंडल किया। उसके बाद एलडी यूके चले। यूके में उन्हें एफिलिएट बिजनेस का एक्सपोजर मिला। अब एलडी को अपनी मंजिल साफ नजर आ रही थी और रास्ते की भी पूरी जानकारी थी। वापस आकर इंडिया में पहली बार एफिलिएट बिजनेस का आरंभ एलडी ने ही किया और देश के टॉप के एफिलिएट नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए। इसीलिए उन्हें भारत में डिजिटल मार्केटिंग का पितामह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिसंबर 2007 में शुगलू ग्रुप की नींव रखी और आज 9 साल का सफर तय करते हुए हम सब इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। एलडी अगर किसी के सबसे ज्यादा करीब थे तो वो थी उनकी मां। पिछले कोई 1.5 साल के दौरान भगवान ने उनकी मां और बड़े भैया दोनों को उनसे छीन लिया। पर यह जिंदगी है और ये बस आगे बढ़ती रहती है। आज एलडी एक रैली ड्राइवर है। उन्हें हैट्स का शौक है, उन्हें घड़ियां एकत्र करने का शौक है और सबसे ऊपर पढ़ते रहने का शौक है। परिवार और दोस्तों को समय देना और दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव है। जो एलडी को पहले से जानते हैं वो बताते हैं कि एलडी जरा भी नहीं बदला, पर हां एलडी ने बहुत सारी जिंदगियां बदल डाली है। एलडी के साथ गुजारा एक एक पल आपको उत्साह और जीने की भावना से भर देता है। उसका वजूद और उसकी शख्सियत आपसे कहती मालूम पड़ती है। जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे